बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चटपटा स्पाइसी आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान से है, 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। हमने आलू को इस तरह से कट कर लिया, फ्राइज की तरह कट कर लिया, और साथ में हमने ये लहसुन अदरक हरी मिर्ची हमने कूट लिए, और हमने थोड़ी सी कलवंजी सौंफ और ज़ीरा ले लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, लहसुन अदरक जो हरी मिर्ची कूटी वो इसमें हम डालेंगे, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें हम जीरा सौंफ और ये कलौंजी डालेंगे, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। 2 मिनट मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इसको हमने अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम आलू डाल लेंगे। दो से तीन मिनट को हम अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे। हमने इसको अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे, इसको कवर करके 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छे से पका लेंगे। ज़्यादा से चटपटा आलू बनकर रेडी हो गए। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा प्याज डालेंगे। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। 2 मिनट में बनकर रेडी हो गए मज़ेदार से चटपटा आलू। इसको आप पराठे के साथ नोश फरमाएं, बहुत ही मज़े के बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।